नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भदाव गांव निवासी राजीव के 15 वर्षीय पुत्र की तबीयत खराब होने की वजह से घर के लोग परेशान हो गए। परिवार के लोग उसे जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में भर्ती कराए, जहां कुछ ही उसकी हालत गंभीर होती चली गई। राजीव के मुताबिक चिकित्सक ने बताया कि दवा के रिएक्शन के कारण किशोर का लीवर और किडनी प्रभावित हुई है। इसके बाद जब चिकित्सक द्वारा दी गई दवा को देखा गया तो वह एक्सपायर थी। सोमवार की देर रात उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। चिकित्सक की लापरवाही से नाराज परिवार के लोग रात में ही माल्टारी स्थित चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंच गए। वहां जाने पर पता चला कि चिकित्सक पहले के क्लिनिक में ताला बंद कर फरार हो गया है। घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। इस मामले में बिलरियागंज थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ ये? मेरा भतीजा था, उसको पेट दिक्कत थोड़ी थी, बुखार हल्का सा था, तो दवा लेने गया माल्टारी बाजार में डॉक्टर चौहान के यहाँ, और उन्होंने दवा दिया, कुछ उसमें दवाएं डेट एक्सपायर थी, और उसके खाने के बाद उनको दिक्कत होने लगी। क्या दिक्कत होने लगी? दिक्कत पेट में जलन होने लगी उनको बार बार, और पेशाब उनका कम हो गया, बंद हो गया, और फिर हम लोग लेकर गए आजमगढ़ लेकर गए, आईसीयू में डाले उनको। आईसीयू में डालने के बाद उनका रिएक्शन जो था दवा का, इनके दवा का, और जब बहुत से ज़्यादा फैल रहा था उनके शरीर पे, कल यानी कई तारीख था, 29 को भी उसके हाथ में थोड़ा जगह जगह छत्ता छाला, मतलब वो इस टाइप पड़ गया था, काला काला। डॉक्टर बता रहे थे कि इनका जो लीवर और किडनी है उस पर इफेक्ट हुआ है दवा का, इसी वजह से इनकी मौत हुई है क्या? अच्छा, ये कौन है डॉक्टर? ये डॉक्टर अशोक चौहान। डिग्री उग्री है इसके पास ही? अब बता नहीं सकते अब डिग्री है कि नहीं है, पर्चा है हमारे पास, डिग्री तो वैसे। अभी कहाँ है डॉक्टर ये? अभी डॉक्टर कुछ भी नहीं है, BHM लिखे हैं। अच्छा, इसकी शिकायत भी कहीं किए हैं? कहीं नहीं, शिकायत तो नहीं किए, हम लोग परेशान थे रात ही से। अच्छा, कई और मामले भी इस तरह के पहले हो चुके हैं क्या? हो चुके हैं, इनके द्वारा मामले कई हो चुके हैं।